कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। डीआरओ आरओ इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद खान ने कहा कि मुख्तलिफ डीआरओज और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करके उनकी जानों को खतरात लाहक किए जा रहे हैं। 9 मई से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करेक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की, जिस तरह के कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मनसूख करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं, इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी है। ना ये किसी स्टेज पर आरओ है, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ है, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि जो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज हैं, जो स्टेट का रियासत का स्टील फ्रेमवर्क है, उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, उनकी लाइफ के मुतल्लिक थ्रेट कर दें और वहां पर जाकर ये उनके मुतल्लिक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करें। मैं हुकूमत वक्त से जो भी निगरान गवर्नमेंट्स बैठी हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आप देख क्या रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसाइटमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो मेरा ख्याल है देन वी आर लिविंग इन कुकूज लैंड।